भुवनेश्वर जनता मैदान रे भाषार महाकुंभ चली विश्व ओडिया भाषा सम्मेलनी आज द्वितीय दिन में विषय वस्तु रही आधुनिक ओडिशार उत्पत्ति ओडिया भाषा और महिला सशक्तिकरण से भली ओडिशार प्रत्नतत्व आधुनिक भाषा साहित्य सामुद्रिक ऐतिह्य वाणिज्यिक लोकनृत्य ओडिया व्याकरण और भाषा विज्ञान उपर हेबो आलोचना एथिपाई सामिल होइचंती राज्य तथा देश विदेश भाषाविद और विद्वान व्यक्ति विशेष आधुनिक ओडिशार किभली अभ्युदय होइतला ता उपर मध्य आलोचना चक्र आयोजित हेबो आधुनिक जुगरे ओडिया भाषार प्रयोग आहुरी किपरि व्यापक करा जाय पारिबो एवं यहाको विश्व स्तर रे पहुंचा जाय पारिबो से दिगरे समस्त एक होइ काम करबा हेउछि भाषा सम्मेलन रो मूल लक्ष्य सम्मेलन रे आलोचना चक्र सांगकु आम भाषा साहित्य संस्कृति और नौ वाणिज्य परंपरा सह जनजाति संपर्कित प्रदर्शनी करा जायछि आज सर्वप्रथमे माननीय मुख्यमंत्री को कृतज्ञता जनेबी कहीं ओडिया आम भाषा आम मातृभाषा को जो भाई भाव में गुरुत्व दे आज गोटे विश्व दरबार में परिचित करने लगी ये विश्व सम्मेलन यार लक्ष्य हूँ आम ओडिया गर्व करू ओडिशा जो भाई भाव में अग्रगति कर प्रत्येक क्षेत्र में आम निज मातृभाषा को भाव में ओडिशा आशार भारत में थी लोक मैंने हूँ विश्व दरबार जो मैंने पुणा लेखक हूँ साहित्यिक हूँ जो मान रचना शैली में विभिन्न कथा थाए जोटा कि आम जिते देश स्वाधीन होता से समय आम लेखक मानक विभिन्न आपड़ जानते से साहित्यिक भाषा में आंदोलन में सामिल थे तेणु आमर भाषा आमर कला आमर संस्कृति आमर कल्चर कौली भाव में डेवलपमेंट हम से लक्ष्य नहीं मान्यवर मुख्यमंत्री एत बड़ सम्मेलन कर धन्यवाद दौची विभाग को तरफ मान्यवर मुख्यमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापन किभली भाषार उत्पत्ति है क्योंठ बर्तमान भाषार स्थिति कौन ये जो तीन टी जुग दे जिते जो भाषार स्थिति बाबद एक्जिबिशन प्रदर्शित ये हूँ ये जो आम जो अच्छा ये हूँ प्राचीन जुगर जो प्रकोष्ठ कर प्राचीन जुग परवर्ती मुहूर्त में मध्य जुग आधुनिक जुग जिते भाषा नाला तेज सांकेतिक भाषा मध्यम किभली जड़े मनुष्य तार भाव विनिमय करूला और परवर्त मुहूर्त में किभली शिलालेख मध्यम लिपि मध्यम निजर भाव विनिमय कला ए सब दिगक नहीं जिते ये विस्तृत भाव वर्णना कर साधारण लोकटे बर्तमान जो युव समाज कि जानव से नहीं बर्तमान सबकि प्रदर्शित कराई आम विस्तृत जानवी जो गोटे युववर्ग को ये जानवाई भाषा उपर जानापी क्या भाषा उत्पत्ति आरंभ है बर्तमान आधुनिक जुगर में गोटे ओडिया भाषा किभली ताला देखिए आगे बढ़ो ये प्रयास कर भाषा सम्मेलन में कि विस्तृत भाव बुझे कि ये जो आप प्राचीन जुग प्रकोष्ठ रही जो लिपि कथा कहुची जो शिलालेख कथा कहुची ये जो चित्र आप प्रदर्शित कर गोटे 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 बुझे कि कौन या द्वारा कौन जड़े साधारण लोकटे जापर यह एक सांकेतिक जो सांकेतिक भाषार ये एक पटचित्र जोटि आम देखुचे यह विक्रमखोलर जो पहाड़ अच्छे से पहाड़ देह खोदित होता यार मीनिंग आज पर्यंत डिसअपीयर हो पारिना तो आम देखुचे ये उषाकोठी आमर उल्लाबगढ़ विक्रमखोलू आसी ये साइन लैंग्वेज जोटा कि आज पर्यटन तार मीनिंग डिसाइड कर पारे यहाँ जो भाषा जिते भाषा थी जिते रिटिन से मैंने लिखा जान ना भाषा किप लिखा जाए तो यह एक सिम्बोलिक वे रे पथर पथर कांथरे खोदित करा को यूज करुले जोटा कि मैंने जापर निजे निजे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करने लांगुएज जत लिखित आकार ना तेणुकूज करते ओडिया भाषा को नहीं जिते जो गोटे प्रकार महाकुंभ चली विभिन्न देशर चारिटी देशर जिते भाषा विशेषज्ञ मैंने रही विद्वान मैंने जोगद विचार विमर्श चलो भाषा को नहीं अनेक तर्जमा कर यार भितर भाषार उत्पत्ति स्थल आम जमी कहते भाषार उत्पत्ति होता साधारण भाषा आसनला किभली मनुष्य तार भाव विनिमय कर सांकेतिक भाषार भाव विनिमय कर सांकेतिक मध्यम परवर्त मुहूर्त में जो प्राचीन जुगर मध्य जुग और आधुनिक जुग को मध्य धीरे धीरे यार भाषार स्थिति बदलला लोक साधारण लोक जो मनुष्य धीरे धीरे जो प्राचीन जुग पर मध्य जुग आधुनिक जुग गति करते यार भितर डिजिटल जुगरे किभली भाषा तिष्टि रहिबो ओडिया भाषा किभली आगको ताला दे आगको बढ़िबो सेही प्रयास बा ओडिया भाषा को विश्व दरबार किभली परिचित करा जिबो ताकु ने जतले उद्यम करा जाउछि निस्तबे एई जो प्रदर्शनी करा जाइछि विशेष करी भाषा को नहीं या आज युववर्ग को मते निस्तबे गोटे सचेतनता आणिबो जे भाषार सृष्टि बाबद्रे मते सेमानको अनेक किछि मध्य तथ्य मध्य प्रदान करिबो।
କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ସହ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। विश्व ओडिया भाषा सम्मेलन में सामिल होती जड़े विदेशी तांको ना यूडब्ल्यू स्कोड़ा कहते मु ओडिया भाषा उपरे रिसर्च करुछि संबलपुर रही रिसर्च चलाइछि। ओडिया भाषा गोटे मीठा भाषा एठाकार लोके बहुत सहयोग करुछन्ति। 25 वर्ष तले ओडिसा प्रथम थर आसिथि। ओडिसा आसिले बहुत खुशी लागे। सम्मेलनी को निमंत्रण करिथिबारु धन्यवाद जणाइछि। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମୁଁ ଭାଷା ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲି, ସୋ କିଛି ଭୁଲିଗଲା ମାଫ କିଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ଏତେ ମିଠା ଭାଷା ଅଛେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ।